भाई बिटकॉइन क्या है? तो जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, ऐसे इंटरनेट पे बिटकॉइन चलता है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो बिटकॉइन नहीं होता, उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। सो अब बात आती है कि भाई बिटकॉइन बनाया किसने। तो ये जो आपको रिसर्च पेपर दिख रहा है, ये बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। इसने बोला था कि आप पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा इसने प्रूफ बताया कि कैसे काम करेगा, कैसे उसके ट्रांजेक्शन होंगे, कैसे मैथमेटिकली क्रिप्टोग्राफी यूज करके हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी एक सेंट्रलाइज फॉर्म के। तो घुमा फिरा के एक ये आर्टिकल जो था, ये पूरा पीडीएफ था, रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था 2009 में, और 2009 के बाद किसी को नहीं पता कि ये सतोशी नाकामोटो जो इंसान है ये कहां गया, कौन है, आज तक इसकी मिस्ट्री बनी हुई है। और सर्च करने पे मुझे पता ये चला है कि सतोशी नाकामोटो कोई इंसान नहीं, चार कंपनी भी हो सकती हैं, जो है सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची एंड मोटोरोला। तो आज तक किसी को नहीं पता कि ये इंसान कौन था जिसने ये सारी चीजें बताई, और उसके बाद बनाने के बाद वो चला गया, उसके बाद एक कम्युनिटी बन गई लोगों के बीच। सो बिटकॉइन के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है, ये पूरा ओपन सोर्स है, इसके सारे कोड आपको यहां पे मिल जाएंगे, सारी कोडिंग इसमें मिल जाएगी आपको। अगर आप डेवलपर हैं तो आप डेवलपर सेक्शंस पे जाइए, वहां पे आपको पूरा ओपन सोर्स मिल जाएगा, आप भी उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मेरा डाउट ये था भाई कि अगर बिटकॉइन किसी का है नहीं तो ये वेबसाइट चला कौन रहा है। तब मुझे पता चला कि ये जो वेबसाइट है, इनके कंट्रीब्यूटर्स जो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने स्टार्ट करी है और सारी चीजें वो लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। सो अब बात आती है कि बिटकॉइन बनता कैसे है, बिटकॉइन में पैसे कैसे भेजते हैं, बिटकॉइन पूरा काम कैसे करता है। तो भाई सिंपल सी प्रोसेस है, जैसे आप पेटीएम में किसी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हो, ऐसे ये एक वर्चुअल फॉर्म है। ये ना तो आपको फिजिकली हाथ में कभी आएगा और ना आपको फिजिकली देखने को मिलेगा, ये सारी चीज वर्चुअली चलती है। आपको एक मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि आप मान लीजिए एक पत्थर लाया मैं उठा के मार्केट से, वो बोला कि भाई ये पत्थर की कीमत आज की तारीख में 10 रुपए है, तो आप बोलोगे कि भाई मैं नहीं मानता कि ये 10 रुपए है। लेकिन अगर 100 लोग आके बोले कि भाई ये पत्थर की कीमत 10 रुपए है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। यही सेम चीज हुई है बिटकॉइन में। जब 2009 में ये बना था तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म नहीं है, ना ये गोल्ड है, ना पैसा छपा हुआ है, ना किसी को पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन बनते बनते मानते मानते लोगों ने मानना स्टार्ट किया कि इसकी इतनी वैल्यू हो गई, इतनी वैल्यू हो गई। तो आज की तारीख में लोग अगर बिटकॉइन बोलते हैं तो उसकी एक वैल्यू को मानने लगे हैं लोग। सो अगर आज अपन खुद अपना खुद का बिटकॉइन खोल सकते हैं, एस कॉइन मैं बना सकता हूं, सारा जो कोडिंग है सारा ओपन है, ओपन सोर्स है, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है उसमें, तो सारी चीजें बना के आज अपन खुद का अपन बिटकॉइन जैसा कुछ भी बना सकते हैं एस कॉइन नाम से। लेकिन दिक्कत अपन को कहां आएगी, अपन बोलेंगे कि भाई इसकी कीमत 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में अपन समझाएंगे कैसे लोगों को कि इसकी 10 रुपए कीमत आप मानो। तो यही चीज बिटकॉइन के साथ हो रही है। 2009 से चीजें चल रही थी, तो 2017 आते आते जो लोग अब मानने लगे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, तभी लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और लोग इसमें पैसे भेज भी रहे हैं। अब पैसे भेजने वाली बात आती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, अब आप सोचोगे भाई कि अगर मैं पेटीएम से किसी को पैसे भेजता हूं और वो पैसे अगर रिसीव नहीं होते हो, तो मैं जाके पेटीएम का गला पकड़ूंगा, मैं उनके कस्टमर केयर में कॉल करूंगा। और अगर मैंने यहां से किसी को पैसा भेजा और वो अगर रिसीव नहीं हुआ सामने वाले को, तो मैं किसका गला पकड़ूंगा, क्योंकि किसी का इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी का बिटकॉइन है नहीं, ये ओपन सोर्स है और पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो यही बहुत सारे डाउट थे जो मैंने पूरे खुद बैठ के क्लियर करे हैं। 3 दिन तक मैंने रिसर्च करी है बिटकॉइन के ऊपर, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप इसको देखते रहिए, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सो गाइस, आप इतना तो समझ गए होंगे कि बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है, जो बस हमें ऑनलाइन देखने को मिलेंगी, कोई मोबाइल ऐप के अंदर वॉलेट की तरह या ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे हम देख पाएंगे हमारे पास इतने बिटकॉइन आ गए हैं। लेकिन अब बात आती है कि बिटकॉइन जो है वो कन्वर्ट कैसे करते हैं कि भाई इंडियन रुपीस में, जिसका 2 लाख की वैल्यू हो गई, कल 1 लाख थी और कुछ सालों पहले तो ये 40,000 में मिल रहा था, तो ये वैल्यू बनाता कौन है? अगर इसका कोई क्रिएटर नहीं है तो ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है इसका डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप जाएंगे bitcoin.org पे, यहां पे FAQ का सेक्शन है, ये पूरा मैंने रीड किया, इसके अंदर आपका हर एक डाउट मिलेगा FAQ के सेक्शन में। तो यहां पे आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको यहां मिलता है व्हाट डिटरमाइंस बिटकॉइन प्राइस। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा डिपेंड करता है चीजें कैसे काम करती है। तो मान लीजिए अभी जो 2 लाख रुपए चले गई थी बिटकॉइन की कीमत, वो कैसे गई थी? सब लोग सोच रहे थे बिटकॉइन में हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो हमको बहुत जल्दी इसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मतलब आज मैं 2 लाख का बिटकॉइन खरीदता हूं तो क्या पता 4 महीने बाद वो 4-5 लाख का मिले। तो उसी चक्कर में जितने लोग थे सब लोग बिटकॉइन खरीदने लगे, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ट्रांजेक्शन बढ़ गए पर डे के बिटकॉइन के अंदर। तो हुआ क्या कि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। अब जैसे आपने देखा होगा अभी ही 2-3 दिन में बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन के प्राइस में, क्यों? क्योंकि लोगों ने खरीद के रख लिया, अब वो बेचेंगे तो सही नहीं जब तक वो 2 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसकी अब डिमांड वापस से कम हो गई, डिमांड कम हुई तो प्राइस वापस डिक्रीज हो गया। तो यही पूरा एल्गोरिथम डेवलप किया था सतोशी नाकामोटो ने, वहां पे सारी चीज उसने बताई गई है कैसे चीजें चलेंगी, कैसे होगा। अब एक चीज और है, जो बिटकॉइन है वो टोटली 21 मिलियन तक ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं, ऐसा भी पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही एल्गोरिथम बना के रखा है। सो गाइस, चलिए अब समझते हैं कि बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन इनिशिएट कैसे होता है और
सक्सेस कैसे होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक वॉलेट है बिटकॉइन का, मैंने आपका एड्रेस लिया बिटकॉइन का और बोला कि आपको मैं एक बिटकॉइन भेज रहा हूँ, 1 BTC आपको भेज रहा हूँ। सो यहाँ पे होता क्या है कि वो जो एक ट्रांजेक्शन होता है वो ओपनली चला जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। सो ब्लॉकचेन क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको पैसे भेजे तो भाई उसको कंफर्म कौन करेगा कि वो पैसे मेरे पास थे। तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता यह है कि मेरे पास पैसे कहां से आए और जिसने मुझे भेजे वो कहां से आए, तो पूरा एक रिकॉर्ड बनता है शुरू से लेके आखिरी तक, जहां से वो इनिशिएट हुआ उसके बाद कहां कहां घूम के पैसा मेरे पास तक आया। तो अगर मैंने आपको एक पैसा दिया है तो कोई प्राइवेट और पब्लिक की के अंदर वो एक सिग्नेचर के अंदर इनक्रिप्ट हो जाती है चीजें और फिर वो चला जाता है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे कंप्यूटर्स के पास वो रिकॉर्ड। अब होता क्या है, उसको अपन को करना पड़ता है डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट इतनी जल्दी आप कर नहीं सकते क्योंकि जो इसके एल्गोरिथम है वो उसमें यूज होता है क्रिप्टोग्राफी। तो भाई क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, किसी चीज को भेजना है तो हम उसको सिक्योर कैसे बना सकते हैं, उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यही चीज होती है क्रिप्टोग्राफी में, जब आप किसी को ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं तो उसकी पब्लिक प्राइवेट की और ऐसे पूरा घुमा फिरा के उसमें चीजें मिक्स हो जाती हैं। अब उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए हमको लगती है कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटेशनल एनर्जी। तो उसे होता क्या है कि हमको चाहिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स ताकि वो उसको रिवर्स कर सके। हर सेकंड उनको बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि वो रैंडम चीज है, वो आपको 1 से लेके 1 मिलियन तक कैलकुलेशन करना है, उसमें से कोई बीच का नंबर आएगा वो की रहेगा, तो वो मैचिंग करना है और वो मैचिंग के लिए ही हमको कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत है। तो अब ये कंप्यूटेशनल पावर हम कहां से लाते हैं, इतने सारे कंप्यूटर कहां से लाते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है डेटा माइनर्स बिटकॉइन का। अब डेटा माइनर्स वो लोग हैं जो उनका कंप्यूटर देते हैं बिटकॉइन के पीयर टू पीयर नेटवर्क को और बोलते हैं कि जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं आप हमारे कंप्यूटर पर यूज करिए, हमारा सीपीयू पावर यूज करिए, हमारी रैम यूज करिए और वो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करिए। ब्लॉकचेन में यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स रहते हैं बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे पड़े हैं बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि एक ट्रांजेक्शन कंफर्म हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक ट्रांजेक्शन कंफर्म करने में इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना, लेकिन भाई बात ही यह है, अगर आप किसी इंसान को बिठा दोगे या किसी को एक सेंट्रलाइज तरीके से बता दोगे कि ये ट्रांजेक्शन कंफर्म करे, तो फिर वहां पे घपला हो सकता है, वहां पे गवर्नमेंट की निगरानी रह सकती है। ये एक डिसेंट्रलाइज तरीका है किसी भी चीज को करने का, किसी भी फंड को भेजने का। तो उसके लिए पूरा ब्लॉकचेन यूज होता है, ब्लॉकचेन में यूज होते हैं डेटा माइनर जो उनका कंप्यूटर लगा देते हैं इस चीज के अंदर, ताकि इतने सारे ट्रांजेक्शन आएंगे तो वो कैलकुलेशन करके रैंडम की निकल सके, एक एक करके सारी चीजें निकल सके। उसके लिए डेटा माइनर लगाते हैं उनके कंप्यूटर्स और उनको बदले में मिलते हैं फ्री के बिटकॉइंस। तो अगर आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर है जिसका अच्छा खासा सीपीयू है, अच्छी खासी रैम है, तो आप भी आपका कंप्यूटर लगा सकते हैं बिटकॉइन के माइनर्स के अंदर, माइनिंग कर सकते हैं बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी होड़ चलती है, लाइक मैंने एक ट्रांजेक्शन भेजा आपको, अब वो एक ट्रांजेक्शन के लिए इतने सारे माइनर बैठे हैं, सब लग जाएंगे। जो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन कंफर्म करके लाएगा उसको ही मिलेंगे बस बिटकॉइन, उसके बाद कोई करेगा तो नहीं मिलेंगे। तो ये इंस्टेंट नहीं है, अगर मैंने आपको फंड भेजा तो वो फंड आने में आपको 10 मिनट से 30 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि ये वापस रिवर्स करना है। अब रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स वही लोग कर पाएंगे जो कंप्यूटेशनल पावर यूज कर रहे हैं, अब उनके कंप्यूटर में कितना दम है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे कंपटीशन चलता है, अगर आप माइनर हो और आप जल्दी से जल्दी कर पा रहे हो ट्रांजेक्शंस को सॉल्व, तो वो आपको जल्दी से बिटकॉइन मिलेंगे, फ्री के बिटकॉइन। और वो फ्री के बिटकॉइन आपके पास आएंगे कहां से, जब मैं ट्रांजेक्शन भेजूंगा तो मुझे छोटी सी फी लगाएंगे ये लोग। अगर मैं 1 BTC भेज रहा हूं तो 1.2 BTC मेरा डेबिट होगा और 0.2 BTC आपको तो पूरा नहीं मिलेगा, वो जो फी रहेगी वो फी कटेगी और उसमें से कुछ पार्ट आपको मिलेगा, कुछ पार्ट वो नए बिटकॉइन में जनरेट होगा। तो पूरा एक तरह से साइकिल चलती है इस चीज की। तो इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ गलत हो गया, मैंने पैसा भेजा नहीं मिला, पूरा नेटवर्क लगा पड़ा है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं अभी भी आज की तारीख में बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए। सो भाई घुमा फिरा के एक बात समझिए, बिटकॉइन जो है वो वर्चुअल करेंसी और उसको सिक्योर बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आप उसको हैक करना चाहते हो ना, तो आप एक सुपर कंप्यूटर भी लगा दोगे तब भी आप एक बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं कर पाओगे। वो रिवर्स करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड बोले तो जितने बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन में आप लगा सकते हो लगा दो, और एक ही टास्क को अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दो और एक साथ सबकी कंप्यूटेशनल पावर यूज करके उस इक्वेशन को सॉल्व करो। यही चीज होती है ब्लॉकचेन, और डेटा माइनर भी यही होते हैं। डेटा माइनर में सारे ट्रांजेक्शन जितने आ रहे हैं उसको हम कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अगर वो वेरीफाई होता है तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये वेरीफाइड ट्रांजेक्शन है, इसको आप मान सकते हो, और फिर वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो गाइस ये वेबसाइट है blockchain.info। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने ब्लॉकचेन बन रहे हैं, जितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं जो अभी माइनिंग में लगे हुए हैं, उस सबकी लिस्ट आती है। तो मान लीजिए जैसे 4 मिनट पहले अभी 1220 ट्रांजेक्शन हुए हैं और जो पता नहीं कितने डॉलर्स के हैं और उसका साइज है इतने के भी, 1 MB से भी कम है, और इतने ट्रांजेक्शन इसके अंदर हैं। अब जितने माइनर लगे हुए हैं सब इसको वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं कि इसको फटाफट वेरीफाई करें और बताया जाए कि ये जो ट्रांजेक्शन हुए
हुए हैं ये बिल्कुल सही है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि हर एक ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका SBI का अकाउंट है तो बस आपकी नेट बैंकिंग में ही वो दिख पाएगा ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन ओपन है सबके लिए। आप blockchain.info पे आइए, आप उसका एड्रेस डालिए, सारे उसके पास आज तक कहां से पैसा आया, उसने कहां पैसा भेजा, सारी चीज आपको दिख जाएगी, सारी चीज ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसको छुपा नहीं सकता। बट दिक्कत क्या आएगी, ये बिटकॉइन का एड्रेस भाई है किसका वो आप पता कभी नहीं लगा पाओगे। अब मेरे पास ये एड्रेस है, मेरे पास अगर फंड आया $2 का, तो मेरे पास कोई फ्रेंड है या कोई भी इंसान है, मैंने बोला भाई मेरे को कैश दे दे $2 में तेरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूं, तो पैसा अंदर ही अंदर घूमता रहता है। अगर आपको ट्रांसफर करना है आपकी लोकल करेंसी में, तो आपको और किसी को बिटकॉइन देके उसको बोलना पड़ेगा इतना पैसा मुझे दे दे। वो बिटकॉइन क्यों लेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। और आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइन ले रही हैं, लेकिन इंडिया में अभी ये चीजें नहीं चल रही हैं। इंडिया में तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोल रही है बिटकॉइन इलीगल है, क्यों, क्योंकि अनॉनमस है, अपना जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि वो ट्रांजेक्शन आया कहां से, गया कहां पे, लोगों ने क्या क्या खरीदा, तो वो चीज के ऊपर अभी थोड़ी चीजें चल रही हैं। तो इंडिया में ज़ैप्पे करके एक ऐप है जिसके थ्रू आप सारी चीजें कर सकते हो, बिटकॉइन खरीद सकते हो, बिटकॉइन बेच सकते हो, बट उसमें आपका पैन कार्ड मांगेंगे, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, तो घुमा फिरा के आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी कि ये बिटकॉइन का एड्रेस आपका है, इसके जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें आपका रिकॉर्ड बन गया। तभी लोग इंडिया के बाहर जाते हैं बिटकॉइन खरीदने बेचने, ताकि वो अनॉनमस रहें, कोई उनको देख ना पाए। तो blockchain.info पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें आप चार्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बकायदा आपको बताएगा कि अभी क्या रेट चल रहा है। तो अभी $2300 का रेट चल रहा है एक BTC का, और ये पूरा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, तो उसके हिसाब से ये चीजें चलेंगी। अब यहाँ पे एवरेज ब्लॉक साइज बता रहा है कि कितने MB का है, तो एवरेज एक ब्लॉक साइज किसी एक ट्रांजेक्शन का, किसी एक कंपनी का, तो वो है 1 MB के आसपास। कल जो ट्रांजेक्शन हुए थे पर डे के, वो 360,000 के आसपास हुए थे 24 आवर्स में, जो कन्फर्म्ड हुए थे इतने सारे कैलकुलेशन के बाद। सो गाइस, इतने बाइट का डेटा लगा हुआ है अभी ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए, जो माइनर्स लगे हुए हैं वो इतने बाइट का डेटा जो है वो कर रहे हैं कैलकुलेशन कहीं ना कहीं। तो जैसे ये कैलकुलेशंस हैं, ये ट्रांजेक्शंस पर डे आपको दिख रहे हैं, ये बढ़ेंगे बिटकॉइन के अंदर तो प्राइस बढ़ेगा, ये कम होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम होगा। तो ये एल्गोरिथम से सब कुछ होता है, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप हैकिंग करना चाहो या एल्गोरिथम खराब करना चाहो बिटकॉइन का, तो आप एक कंप्यूटर पे कर पाओगे, यहां पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सारे कंप्यूटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई बिटकॉइन का एल्गोरिथम चेंज कर पाओगे। वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि कितने लोग लगे पड़े हैं बिटकॉइन की डेटा माइनिंग के अंदर। सो गाइस, घुमा फिरा के अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए दुनियादारी, अब मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या है। ये जैसे ईमेल बनाया किसी ने, ईमेल वाली सर्विस को यूज करके, ईमेल वाले प्रोटोकॉल रूल्स को यूज करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करके जीमेल बना, याहू मेल बना, रेडिफ मेल बना, ऐसे ही बिटकॉइन जो है वो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये सेम चीज आप यूज करके खुद का कॉइन बना सकते हो, खुद की आप जो चीजें हैं वो बना सकते हो, लेकिन आप इतने ट्रांजेक्शन ला नहीं पाओगे तो उसका प्राइस और वो चीजें डिक्रीज इंक्रीज हो नहीं पाएंगी, और लोग उस पर ट्रस्ट भी क्यों करेंगे कुछ नई चीज आप बनाओगे। तो बिटकॉइन बहुत दिनों से चल रहा है, लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे बिटकॉइन वैसे ही घूम रहे हैं इसके अंदर ही अंदर, तो लोग उसकी वैल्यू मानने लगे। रातों रात इंटरनेट बंद होता है, रातों रात बिटकॉइन के सर्वर फेल होते हैं, रातों रात इतने सारे कंप्यूटर मान लीजिए फेल होते हैं जो कभी हो नहीं सकते, हो जाते हैं, तो रातों रात बिटकॉइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, बोल दिया जाएगा कि एक वेबसाइट है जो कि बंद हो गई। सो अगर अब आप सोच रहे हैं कि मुझे बिटकॉइन खरीदना है, बिटकॉइन बेचना है, तो ज़ैप्पे करके ऐप है जिसके थ्रू कर सकते हो, बट उसके अंदर कितना खरीदोगे कितना बेचोगे आपके ऊपर है। आज आप खरीदते हो, आज डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा हो सकता है, आने वाले दिन में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है रातों रात आप अमीरपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये तो वही बात हो गई, स्टार्टअप में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं कि स्टार्टअप फेल होगा या सक्सेस होगा, सक्सेस होगा तो हमको ज्यादा रिटर्न देगा, फेल होगा तो हमारा लॉस है। सोना खरीदते हैं तो क्या पता कल सोने की वैल्यू गिर जाए, परसों बढ़ जाए, वही चीज बिटकॉइन में है। जिनके पास फोकट का पैसा है, ज्यादा पैसा है, वो लोग लगा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, लगा लगा के रख रहे हैं कि आने वाले दिन में कभी ना कभी शेयर मार्केट जैसे अप डाउन होता है, वैसे जब बिटकॉइन अप होगा तब हम बेचेंगे। अब ये आपका झंझट है, आपके पास बिटकॉइन रखे हुए हैं, आपको बेचना है, अब आप बेचोगे किसको, अगर कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो बेचोगे किसको, आपके पास रखे रह जाएंगे और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड है मार्केट में, बिटकॉइन लेने वाले लोग हैं, तो आपको जाके बेचना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास माल है, अब मैं उसको किसको जाके बेचूं, मैंने कोई दुकान खोली, माल भरा, अब वो माल बेचने के लिए मैं लोगों को ढूंढूंगा कि ले लो ले लो ले लो, ऐसी चीज। तो ज़ैप्पे जो ऐप है वो ऐसी ऐप है कि वो खुद ही ले लेते हैं, खुद ही दे देते हैं, तो एक मेडिएटर टाइप के बन गए। बट अगर आपके पास बहुत लपक के बिटकॉइन है और किसी को आप देना चाह रहे हो, तो आपको उसका ग्राहक ढूंढना पड़ेगा जो उस रेट पे वो चीज ले पाए, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये बिटकॉइन घुमा फिरा के एक डिजिटल करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में चलती है, और इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी कैसे चलती है, और इस वेबसाइट पे आपको सारे ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे जितने भी हो रहे हैं बिटकॉइन के अलग अलग मेडिएटर्स के। और ये bitcoin.org वेबसाइट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर और लपक के सीखना है बिटकॉइन तो
FAQ सेक्शन पे जाइए, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सारे पढ़ डालिए, जो मैंने खुद पढ़े हैं ये वीडियो बनाने के पहले, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कैसे सारी चीज़ें काम करती है। अगर आप एक डेवलपर हैं और आप बिटकॉइन का पेमेंट गेटवे बनाना चाह रहे हैं बिटकॉइन में, या कुछ सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो डेवलपर की पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, इनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, यहाँ पे हर एक चीज़ बताई गई है, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, कैसे माइनर के अंदर उनके पास डेटा आता है उनके कंप्यूटर में, कैसे सारी चीज़ें चलती हैं, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। तो सारी चीज़ ओपन सोर्स है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चीज़ें छुपा नहीं रहे, सब कुछ ओपन है। तो अगर आप अच्छे खासे डेवलपर हैं तो आप भी इनको कंट्रीब्यूट करिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर बिटकॉइन।